हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं पवन और आप देख रहे हैं पवन इन्फोटेक चैनल। दोस्तों, वर्डपैड का यह पांचवा वीडियो है, जो कि इसके पहले वर्डपैड की सबसे पहली वीडियो हमने बनाई थी। उसमें बताया था कि वर्डपैड को 10 तरीके से या किसी भी प्रोग्राम को 10 तरीके से कैसे खोलें, यो वह अपने नाम से कैसे खोलें। पार्ट टू यानी कि दूसरे वाले वीडियो में वर्डपैड के बटन के बारे में बताया था, जिसमें कि नया फाइल कैसे लें, पुरानी फाइल को कैसे ओपन करें, प्रिंट कैसे करें, पेज की सेटिंग कैसे करें। तीसरे वीडियो में हमने होम टाइप के बारे में बताया था, जिसमें क्लिपबोर्ड ग्रुप, फॉन्ट ग्रुप और पैराग्राफ ग्रुप के अंतर्गत आने वाले सभी कमांड के बारे में बताया था। उसके बाद हमने चौथी वीडियो बनाई, जिसमें कि होम टाइप के बचे हुए इंसर्ट ग्रुप और एडिटिंग ग्रुप के कमांड को बताया था। और आज हम वर्डपैड की पांचवी वीडियो बना रहे हैं, जिसमें कि व्यू टाइप के बारे में बात करेंगे और उसमें जूम ग्रुप, शो और हाइड ग्रुप और सेटिंग ग्रुप के बारे में बात करेंगे। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वर्डपैड को स्टार्ट करने के लिए स्टार्ट बटन को क्लिक करें और सर्च बॉक्स में टाइप करें WORDPAD। ऐसा नहीं करते हैं तो आप टाइप कर सकते हैं WRITE, राइट। देखेंगे सबसे ऊपर आ जाएगा राइट, इसे क्लिक कर देना। जैसे इसे क्लिक करते हैं तो कंप्यूटर स्क्रीन पर वर्डपैड खुलकर आ जाता है। तो देखें, अभी हमारे डेस्कटॉप स्क्रीन पर डॉक्यूमेंट वर्डपैड के नाम से यहाँ पे वर्डपैड खुला हुआ है। तो व्यू टैब को क्लिक करते हैं। जैसे ही व्यू टैब को क्लिक करते हैं तो देखें यहाँ पे व्यू टैब का रिबन यहाँ पे खुल गया है। अब यह रिबन तीन भागों में बटा होता है, जिसे हम ग्रुप बोलते हैं, जैसे जूम ग्रुप, शो और हाइड ग्रुप और सेटिंग्स ग्रुप। तो सबसे पहले हम जूम ग्रुप की बात कर लेते हैं, और जूम ग्रुप को समझने से पहले कुछ कंटेंट हम इसमें ला देते हैं। कंटेंट के लिए या तो आप पहले से टाइप करके रख लें या फिर इंटरनेट से कॉपी कर लें। अगर जो आपके कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है तो उसे ओपन करके बराबर का साइन लगाए RAND रैंड टाइप करें और ओपन क्लोज पैरेंथेसिस टाइप करके एंटर कर दें और वहां से कुछ कंटेंट कॉपी कर लें। तो दोस्तों, हमने कॉपी कर लिया है, यहाँ पे कंट्रोल भी करके इसे पेस्ट कर ले रहा है। तो ध्यान देंगे दोस्तों, यहाँ पे हम चाहते हैं कि ये जो दिख रहा है कंटेंट छोटा छोटा दिख रहा है, थोड़ा हम बड़ा करना चाहते हैं, अपने नजदीक लाना चाहते हैं। तो उसके लिए देखें यहाँ पे प्लस साइन और जूम इन नजर आए, जो कि आपके डॉक्यूमेंट को जूम करता है। तो इसे क्लिक करेंगे, जितनी बार आप क्लिक करेंगे उतनी बार यह बढ़ता चला जाएगा। चलिए इसे क्लिक करते रहते हैं, देखते हैं कितना बड़ा हो जाता है। तो वर्डपैड के अंतर्गत यह 500% तक जूम हो सकता है। अब यहीं पर देखें, उसके राइट हैंड साइड में जूम आउट नजर आ रहा है, तो आप जूम आउट कर सकते हैं, इसे क्लिक करके अपने डॉक्यूमेंट को दूर भेज सकते हैं। चलिए इसे क्लिक करते हैं, देखते हैं कितने परसेंट तक जूम आउट हो सकता है। तो यह 10% तक जूम आउट हो सकता है। तो दोस्तों, ये कैसे पता लग रहा है 500% तक जूम इन हो सकता है और 10% तक जूम आउट हो सकता है? तो दोस्तों, टास्क बार में आप देखेंगे, हमने इसके बारे में आपको सबसे पहले वाली वीडियो में ही बता दिया था कि यह जूम स्लाइडर है। यहाँ से माइनस करके जूम आउट और यहाँ से प्लस करके जूम इन कर सकते हैं, या चाहे तो यहाँ पे देखें एक बटन दिख रहा है, इसे क्लिक करके आप लेफ्ट और राइट की तरफ इसे खिसका कर जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं। यदि आपका पेज जूम इन जूम आउट करते वक्त कम या ज्यादा हो गया है और आप चाहते हैं कि 100% यानी कि नॉर्मल साइज में रहे, तो देखें यहाँ पे जूम ग्रुप के अंतर्गत तीसरा वाला जो कमांड दिख रहा है 100%, इसे क्लिक कर दें, जो कि आपके डॉक्यूमेंट को नॉर्मल साइज में लाएगा, यानी कि 100% जैसा दिखना चाहिए डिफॉल्ट तौर पे वैसे दिखाएगा। तो दोस्तों, आपने सीखा जूम इन की मदद से डॉक्यूमेंट को हम जूम करते हैं और जूम आउट की मदद से जूम आउट यानी कि डॉक्यूमेंट को दूर करते हैं और 100% की मदद से नॉर्मल साइज में कर लेते हैं। अगला हमारा ग्रुप होता है शो और हाइड ग्रुप, जिसमें कि देखें सबसे पहला यहाँ कमांड दिख रहा है रूलर। अभी देखें हमारे डॉक्यूमेंट के ऊपर रूलर दिखाई दे रहा है, यानी कि जो हमने कंटेंट टाइप किया है उसके ठीक ऊपर देखें यहाँ रूलर दिख रहा है। यदि यहाँ पे चेक मार्क हटा देते हैं तो यहाँ से रूलर गायब हो जाएगा, मतलब डिसअपियर हो जाएगा। वहीं पर देखें कि इसी डॉक्यूमेंट के ठीक नीचे स्टेटस बार शो कर रहा है। यदि आप चाहते हैं कि स्टेटस बार शो न करे तो देखें यहाँ पे स्टेटस बार का चेक मार्क ऑन है, इसे क्लिक करें, यह यहाँ से गायब हो जाएगा। पुनः इन दोनों को आप चाहें तो अपनी मर्जी से इसे ला सकते हैं, आपकी इच्छा, बस चेक मार्क लगाए आ जाएगा, चेक मार्क हटाए हुआ गायब हो जाएगा। चलिए हम दोनों को रहने देते हैं, जो कि दोनों बहुत ही जरूरी है हमारे डॉक्यूमेंट के लिए। अगला हमारा ग्रुप है सेटिंग्स ग्रुप। सेटिंग ग्रुप को दोस्तों आपको ध्यान से समझना है। सेटिंग ग्रुप के अंतर्गत सबसे पहला कमांड आता है हमारा वर्ड ड्रैप। जब वर्ड ड्रैप के ड्रॉप डाउन बटन को क्लिक करते हैं तो इसमें तीन विकल्प आपको मिलते हैं। सबसे पहला विकल्प मिलता है नो रैप। रैप का मतलब होता है लपेटना। चलिए नो रैप को हम क्लिक कर देते हैं। नो रैप को जब हम क्लिक कर देते हैं तो ऑटोमेटिक कंटेंट देखे टाइप होता रहेगा एक ही लाइन में। चलिए इसे सबसे पहले हम इसे डिलीट कर देते हैं और हम कुछ कंटेंट टाइप कर रहे हैं। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, आप टाइप करते रह जाएंगे जितना देर, 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, 8 घंटा, 10 घंटा, जितना देर तक चाहे आप टाइप करते रह जाएंगे, ये हमारा लाइन कभी भी एंड नहीं होगा। नो रैपिंग है ना, नो रैपिंग में एक ही लाइन में सभी के सभी कंटेंट को दिखाए जाएंगे। आपने नोटपैड में पढ़ा होगा
कि नोटपैड के एक लाइन में 1024 कैरेक्टर को ही हम टाइप कर सकते हैं, लेकिन वर्डपैड में ऐसा नहीं है, आप जितना चाहें उतना यहाँ पे कैरेक्टर टाइप कर सकते हैं। तो यह नो रैप का ऑप्शन है दोस्तों, दिन भर आप टाइप करते रह जाएंगे, यहाँ पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। चलिए वर्ड रैप के ड्रॉप डाउन बटन को क्लिक करते हैं। दूसरा आ रहा है रैप टू विंडो, जैसे ही हमारी लाइन विंडो से टकराए ऑटोमेटिक लाइन चेंज हो जाए। चलिए देखते हैं इसे टाइप करके, जैसे ही कर्सर हमारा बॉर्डर से टकराता है तो ऑटोमेटिक लाइन चेंज हो जाएगा। अब विंडो को आप छोटा बड़ा करके भी देख सकते हैं, देखें जैसे हम छोटा कर रहे हैं ऑटोमेटिक यहाँ पे लाइन की संख्या बढ़ रही है, यानी कि बॉर्डर से यहाँ पर बॉर्डर से कैरेक्टर टकरा रहा है और अगली लाइन में वह चला जा रहा है, देख रहे हैं। अब इसे हम थोड़ा सा आप बड़ा कर रहे हैं, देख रहे हैं जितना आप बड़ा करेंगे, अगर जो और भी बड़ा कर देते हैं तो जितना कैरेक्टर टाइप हुआ है उतना जिस लाइन में एडजस्ट हो सकता है उसमें एडजस्ट हो जाएगा। हाँ, यदि एंटर करते हैं तो आपकी लाइन चेंज हो जाएगी, तो लाइन चेंज नहीं वो पैराग्राफ चेंज होती है। चलिए इसे छोटा कर लेते हैं और इसे हम मिटा देते हैं। अगला हमारा विकल्प होता है इसके अंतर्गत रैप टू रूलर, कि रूलर के अकॉर्डिंग काम करे। जैसा कि देखें अभी हम टाइप कर रहे हैं तो रूलर तो दिख रहा है लेकिन रूलर के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहा है, तो उसके लिए वर्ड रैप को क्लिक करें और यहाँ पे रैप टू रूलर, जैसे ही रूलर के पास हमारा टेक्स्ट जाएगा ऑटोमेटिक वहां से लाइन चेंज हो जाएगा, देख रहे हैं? देखें ऑटोमेटिक जैसे ही रूलर के पास जा रहा है वह लाइन को चेंज कर दे रहा है, देख पा रहे हैं? जैसे यहाँ पर हम टाइप करना चाहते हैं व्हाट इज योर नेम, हम आगे इसी में उसका उत्तर भी टाइप करना चाहते हैं माय नेम इज पवन कुमार, दूसरा टाइप करना चाहते हैं हम वेयर डू यू लिव, मतलब आप कहाँ रहते हैं, आई एम लिव। अब देखें जैसे यहां पे टकराया ऑटोमेटिक ही लाइन चेंज हो गया, आई एम लिव इन सिटी, मैं शहर में रहता हूं, देख पा रहे हैं? तो वर्ड रैप के अंतर्गत तीनों विकल्प जो कि नो रैप, रैप टू विंडो और रैप टू रूलर आपने समझ लिया। अगला हमारा विकल्प आता है मेजरमेंट यूनिट, आप इसको किस में माप रहे हैं। जैसे देखें यहाँ पर हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था ये जो निचले वाला ये जो कमांड होता है यह लेफ्ट इंडेंट होता है और ऊपर वाला जो ये शेप नजर आ रहा है यह फर्स्ट लाइन होता है और यह राइट इंडेंट होता है। तो यह किस में मापा जा रहा है, अभी फिलहाल देखें तो इंच में मापा जा रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक इंच, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक एक इंच, तो यहाँ पे एक इंच कम्प्लीट हो रहा है, फिर एक इंच जुड़ेगा तो दो इंच, पुनः तीन इंच, चार इंच और 8.5 इंच, यानी कि हमारा टोटल डॉक्यूमेंट 4.5 इंच के अंतर्गत टाइप हो रहा है। लेकिन कई लोग होते हैं जो इंच नहीं समझ पाते हैं, तो उनके लिए अलग अलग यूनिट इसमें प्रोवाइड कराया गया है वर्डपैड की तरफ से। मेजरमेंट यूनिट के ड्रॉप डाउन बटन को जब आप क्लिक करते हैं तो देखें यहाँ पे इंच में यह ऑलरेडी सिलेक्टेड है। यदि आप इसे सेंटीमीटर में रखना चाहते हैं तो सेंटीमीटर को क्लिक कर दें तो देखें यहाँ सेंटीमीटर में बदल चुका है। यदि आप पॉइंट में बदलना चाहते हैं तो इसे पॉइंट में बदल सकते हैं, और यदि आप इसे पिकास में बदलना चाहते हैं तो पिकास में बदल सकते हैं। ये इसे मापने की अलग अलग यूनिट है, आपके डॉक्यूमेंट या कंटेंट में किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। चलिए हम देख लेते हैं कैसे परिवर्तन नहीं होगा। तो इंचेज को हमने सिलेक्ट किया, देखें यह इंच में आ गया। अब इसके ठीक नीचे सबसे पहले देखें रूलर आ रहा है, तो रूलर की सेटिंग हमने होम टाइप के पैराग्राफ में आपको सिखाया था कि टाइप्स की सेटिंग एक इंच दो इंच कैसे करते हैं। अगर जो आप ये नहीं जानते हैं तो मेरी पुरानी वीडियो देखिए, हमने उसमें बखूबी इसको बताया है। यदि आप डायरेक्ट चाहे रूलर की सेटिंग करना तो उसके लिए देखें, अगर जो आप फर्स्ट लाइन की सेटिंग करना चाहते हैं तो यहाँ से फर्स्ट लाइन कर सकते हैं, अगर जो लेफ्ट से अगर जो इंडेंट सेट करना चाहते हैं तो इंडेंट को सेट कर सकते हैं, और राइट से सेट करना चाहते हैं तो राइट से सेट कर सकते हैं। अब यहाँ से जो भी पैराग्राफ आप टाइप करेंगे उस पैराग्राफ के लिए यह मान्य होगा। जैसे यहाँ पर हमने कुछ टाइप किया और यहाँ पर एंटर कर दिया तो देखें ये हमारी फर्स्ट लाइन है, तो फर्स्ट लाइन के लिए हमने ये इंडेंट सेट किया है। अब ऐसे टेक्स्ट टाइप करते हुए जा रहे हैं और एंटर नहीं करेंगे, एंटर नहीं करेंगे तो लाइन खुद ही चेंज होगा। तो देखें जैसे लाइन चेंज होगा तो लेफ्ट इंडेंट पे काम करेगा, पुनः हम टाइप कर रहे हैं, देखें देख रहे हैं, और जैसे हम एंटर करते हैं तो लाइन चेंज हुआ ना, यानी कि हमने पैराग्राफ चेंज किया, तो फर्स्ट लाइन की सेटिंग यहाँ पर है। तो आप यहाँ से इसकी सेटिंग कर ही सकते हैं। चलिए सबसे पहले हम इसे हटाकर अब आपको टाइप की सेटिंग बता दें। तो मेजरमेंट यूनिट के सभी यूनिट को आप समझना चाहते हैं, सबसे पहले रूलर की सेटिंग करनी होगी, और रूलर की सेटिंग के लिए आपको होम टैब में और पैराग्राफ को क्लिक करने की कोई जरूरत नहीं है, आप सीधे रूलर के अंतर्गत माउस पॉइंटर को ले जाए और जहां पर भी रखना चाहते हैं
वहां पर क्लिक कर दे। तो देखे हमने 1 इंच पे क्लिक किया, पुनः हम 2 इंच पे क्लिक कर रहे हैं, यहाँ पे टैब मार्किंग आ रहा, पुनः 3 पे क्लिक किया और पुनः 4 को। अब टैब को जैसे क्लिक करेंगे ऑटोमेटिक यहीं पर जाएगा। तो अब आप अपने मेजरमेंट को क्लिक करें और इसे सेंटीमीटर में चेंज कर दें। तो यहाँ पर देखें दोस्तों, तो टैब की सेटिंग जो हमने अभी किया था, टैब वहीं पर है, सिर्फ यहाँ पे यूनिट चेंज हो जा रहा है। अभी देखिए हम फिर से इंच में जाते हैं तो देखें हमारा टैब वहीं का वहीं है, सिर्फ रूलर जो मेजरमेंट दिखा रहा है हमारे लिए, यानी कि डिफॉल्ट तौर पे जो कि इंच में था, वो इंच से पिकास में या फिर सेंटीमीटर में चेंज हो रहा है, लेकिन टैब की पोजीशन सेम वहीं पर बनी हुई है। चलिए एक और यूनिट चेंज करके दिखाते हैं। जैसे देखें पॉइंट, तो देखें 72 पे चला गया है, और पिकास में करें तो देखें 6.0005 पे चला गया है। तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, तो हमारा टैब वहीं पर आ रहा है, और यहाँ पे जो 1, 2, 3, 4, 5 जो कि मेजरमेंट यूनिट है इस पेज को मापने की, वह चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे अगर जो हम पॉइंट में कर दें तो देखें 72 पे चला जा रहा है, और वहीं पर पिकास पे कर दें तो 6 पे चला जा रहा है। तो दोस्तों 1 इंच बराबर होता है 72 पॉइंट। जैसे ही हम पॉइंट लेते हैं तो देखें ऑटोमेटिक 72 पे चला गया, और 1 इंच बराबर होता है 2.54 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर को हम क्लिक करते हैं तो देखें 2.5, यहाँ दिख रहा है 5.4, और वहीं पर अगर जो हम पिकास में कर देते हैं तो 1 इंच बराबर 6.00005 होता है। तो देखिए 6 पॉइंट के बाद से यह डिस्प्ले हो रहा है। तो इस प्रकार दोस्तों आज के वीडियो में हमने होम टाइप के तीनों ग्रुप, जूम, जूम शो आर हाइट सेटिंग, इसके अंतर्गत मौजूद सभी कमांड को सीख लिया है। उम्मीद करते हैं दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।